हाय गाइज, तो आज हम देखते हैं एनपीएस और यूपीएस महाघोटाला क्या रहा सरकार का। इसमें मैं एक आपको डिटेल में बताऊंगा। 4200 रुपये का एक पे स्केल लेके चलेंगे, उसको कितना बेनिफिट हो रहा था 4200 रुपये वाले को, और सरकार ने इसमें क्या घोटाला कर दिया है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको बताता हूँ उसमें क्या बेनिफिट होना था, ओपीएस में क्या बेनिफिट है और यूपीएस में क्या है और एनपीएस में क्या है। तो पूरा वीडियो देखना। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और प्रमुख प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कई बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बयान दिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है, जबकि सरकार पर पुरानी पेंशन व्यवस्था से ज़्यादा आर्थिक भार एनपीएस और यूपीएस से पड़ेगा। सरकार केवल उद्योगपतियों को नाजायज आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए एनपीएस अथवा यूपीएस जैसी पेंशन व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों पर जबरदस्ती थोप रही है और सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे को बाजार के उतार चढ़ाव के हवाले कर अंधकारमय बना रही है। यूपीएस के तहत 1,53,66,149 रुपये प्रति कर्मचारी सरकार और उद्योगपति मिलकर डकार जाएंगे। इसी तरह भारत में कुल 1 करोड़ कर्मचारियों का लाखों करोड़ रुपए का महाघोटाला यूपीएस के तहत करने की योजना बनाई जा रही है। देखो क्या बोल रहा है ये सरकार और उद्योगपति। क्या है, 1,53,66,149 रुपये प्रति कर्मचारी का सरकार डकार जाएगी यूपीएस के तहत। और भारत में सरकारी कर्मचारियों की औसत सेवा अवधि 30 वर्ष बना मानकर 1,4200 ग्रेड पे लेवल 6 के कर्मचारी के वेतन की गणना नीचे दी गई तालिका में की गई है। मैंने बताया था 4200 रुपये का जो ग्रेड पे है उसकी तालिका के अनुसार हम कैलकुलेट करेंगे। तथा भारत में जीवन प्रत्याशा दर 66.8 वर्ष है, जिसके अनुसार कर्मचारी और की औसत आयु 70 वर्ष मानते हुए पेंशन अवधि 10 वर्ष मानकर पेंशन की गणना की गई है। यहाँ पर इस तालिका में कर्मचारी की प्रारंभिक नियुक्ति 1 जनवरी 2025 मानते हुए मूल वेतन में प्रतिवर्ष 3% वेतन वृद्धि जोड़कर तथा वर्तमान में जुलाई 2024 से 53% महंगाई भत्ता होने की संभावना है, उसी को आधार मानकर जनवरी 2025 में 56% महंगाई भत्ता मूल वेतन में जोड़ते हुए और प्रति 6 महीने में 3% महंगाई भत्ता जोड़कर वेतन और पेंशन की गणना की गई है। जिनका अध्ययन करने से मालूम पड़ता है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस की अपेक्षा यूपीएस में सरकार पर 1,53,66,149 रुपये प्रति कर्मचारी आर्थिक भार ज़्यादा पड़ेगा। इसी प्रकार पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस की अपेक्षा एनपीएस में भी सरकार पर आर्थिक भार ज़्यादा पड़ रहा है। अतः सरकार से सभी कर्मचारियों का विशेष आग्रह है कि एनपीएस तथा यूपीएस दोनों व्यवस्थाओं को तुरंत प्रभाव से बंद कर पूरे देश में एक समान पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस लागू की जाए, जिससे राजकोष के लाखों करोड़ रुपए बचाए जा सकें। अभी हमने 4200 ग्रेड पे लेवल 6 वाले कर्मचारी के वेतन की गणना तालिका जो बनाई गई है, इसमें देखो मंथ जनवरी 2025 में बेसिक पे 35,400 लेके चला है। डीएस का 3% पर 6 महीने पे इंक्रीज किया गया है 19,824, पे प्लस डीए 55,224 रुपये, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस एंड यूपीएस 10%, 5,522 रुपया, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस 14%, 7,731 रुपया, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन यूपीएस 18.5%, 10,216 रुपया।
अब वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं बता के डायरेक्ट बताता हूँ आपको। अगर बंदे का ऐसे बढ़ता रहेगा हर 6 महीने पे 3% इंक्रीमेंट, और ये 18.5% UPS और 14% NPS गवर्नमेंट, और NPS UPS 10% सरकार की तरफ से। ये लास्ट में चल के जुलाई 2041 में देखो 56,900 कार्मिक का बेसिक 3% इंक्रीमेंट पर ईयर बढ़ने के बाद, उसके बाद DA 3% इंक्रीज 6 मंथ पे 88,195 रुपये, पे प्लस DA हो गया 1,45,095 रुपया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन NPS एंड UPS 10% 14,510 रुपया, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन NPS 14% 20,313 रुपया, और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन UPS 18.5% 26,843 रुपया। ये जुलाई 2041 का बता रहा हूँ। अब इसी क्रम में आगे चलेंगे जनवरी 2042, 43, 44, 45 ऐसे करते हैं। जुलाई 2054 जब कार्मिक की जो सर्विस है 29 साल की हो जाएगी, उस समय कार्मिक को 8,53,857 रुपया गवर्नमेंट NPS एंड UPS, और 12,23,400 NPS और UPS 18% जो सरकार दे रही, 16,16,635, टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ 52,43,142, 73,40,400 और 96,99,810। इसमें टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट आफ्टर एड 7% इंटरेस्ट पर ईयर 1,25,96,254, 1,76,34,756 और 2,33,03,070 रुपया। DA स्टार्टिंग फ्रॉम 56% इन जनवरी 2025 एज इंक्रीज 3% इन करेक्ट DA एंड कंटिन्यू एंड 236% इन जुलाई 2054। अब 4200 ग्रेड पे लेवल 6 वाले कर्मचारी की पुरानी पेंशन व्यवस्था OPS के तहत पेंशन क्या गणना कैसे होगी। जनवरी 2055 में 41,800 OPS पेंशन बेसिक OPS 41,800, DA 3% 6 मंथ पे 99,902, टोटल पेंशन 14,41,702। फिर जुलाई 2055 41,800, DA 1,01,156, टोटल पेंशन 1,42,956। तो ये जुलाई 2064 में क्या रहेगा, 41,800 अगर OPS के तहत उसकी पेंशन रहेगी 41,800, DA 3% रहेगा 1,23,728 और टोटल पेंशन कार्मिक की रहेगी 1,65,528 रुपये जुलाई 2064 में, टोटल 30,72,300। टोटल पेंशन पेड OPS इन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में OPS में पेंशन कितना दिया गया, 1,84,33,800। DA स्टार्टिंग फ्रॉम 239% इन जनवरी 2055 एज इंक्रीज 3% कंटिन्यू इन करंट DA। इसके बाद पुरानी पेंशन व्यवस्था OPS, कर्मचारी का अंशदान रहा शून्य। पुरानी पेंशन में क्या था, कर्मचारी का अंशदान शून्य, सरकार का अंशदान शून्य। मासिक गारंटी पेंशन उपभोक्ता पेंशन तालिका के अनुसार राजकोष में पेंशन का भुगतान किया जाएगा 10 वर्ष में कुल 1,84,33,800 रुपये का भुगतान पेंशन के रूप में कर्मचारी को दिया को किया जाएगा। एकमुश्त भुगतान ग्रेजुएटी कर्मचारी द्वारा GPF में किया गया अंशदान एक निश्चित ब्याज दर के साथ एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। फैमिली पेंशन कर्मचारी की पेंशन का 50%। ये क्या है OPS में। अब NPS में क्या है, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम। NPS में क्या है,
कर्मचारी का अंशदान 10% रहेगा। 30 वर्ष की सेवा अवधि में कुल 52,43,142 रुपये, जिस पर 7% वार्षिक दर से ब्याज जोड़ने पर कुल राशि 1,25,96,254 रुपये होती है। सरकार का अंशदान इसमें 14% रहेगा, जो 30 वर्ष की सेवा अवधि कुल 73,40,400 रुपये, जिस पर 7% वार्षिक दर से ब्याज जोड़ने पर कुल राशि 1,76,34,756 रुपये होती है। मासिक पेंशन कर्मचारी एवं सरकार के कुल अंशदान में से 40% अंशदान से बाजार आधारित पेंशन प्लान लेना होगा। 1,25,96,254 प्लस 1,76,34,756 टोटल 3,02,31,010 रुपये। 3,02,31,010 का 40% 1,20,92,404 रुपये। 1,20,92,404 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज दर से 70,539 रुपये प्रति माह ब्याज बनता है। बाजार आधारित पेंशन प्लान के तहत पेंशन कितनी बनेगी यह निश्चित नहीं है, बीच में उलझा रखा है। अब एक मुफ्त भुगतान कर्मचारी एवं सरकार के कुल अंशदान में से 60% एक मुफ्त भुगतान सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को किया जाएगा। 3,02,31,010 रुपये का 60% 1,81,38,606 रुपये। फैमिली पेंशन निर्धारित नहीं है, ये एनपीएस की कहानी। अब चलते हैं यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें क्या है, कर्मचारी का अंशदान 10%, 30 वर्ष की सेवा अवधि में कुल 52,43,142 रुपये, जिस पर 7% वार्षिक दर से ब्याज जोड़ने पर कुल राशि 1,25,96,254 रुपये होती है। सरकार का अंशदान 18.5% होता है। 30 वर्ष की सेवा अवधि की में कुल 96,99,810 रुपये, जिस पर 7% वार्षिक दर से ब्याज जोड़ने पर कुल राशि 2,33,03,070 रुपये होती है, जो सरकार अंशदान देगी 8.5% का। उसमें 96,99,810 रुपये 30 साल की सेवा करने पर होता है। उसमें 7% ब्याज जोड़ने पर 2,33,03,070 रुपये होती है। मासिक गारंटी पेंशन योजना क्या है, सेवानिवृत्ति के समय अंतिम 12 महीने के वेतन के औसत वेतन की 50% पेंशन प्लस महंगाई राहत दी जाएगी, जो कि ओपीएस के तहत निर्धारित पेंशन से कम होगी। एक मुश्त भुगतान प्रत्येक 6 माह पूर्व होने पर 6 माह के वेतन प्लस महंगाई राहत का 10% लमसम एक मुश्त भुगतान दिया जाएगा। 8,73,857 रुपये बिना ब्याज के होता है। 2,99,375 रुपये 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जोड़ने पर होता है। 16,85,400 रुपये अंतिम माह के वेतन प्लस 16,85,400 रुपये अंतिम माह के वेतन प्लस महंगाई भत्ते के अनुसार गणना करने पर होता है। नोट, इसमें कर्मचारी को किस आधार पर भुगतान किया जाएगा ये निश्चित नहीं है। फैमिली पेंशन कर्मचारी पेंशन का 60% रहेगा। अब यूनिफाइड पेंशन यूपीएस के तहत सबसे बड़ा घोटाला क्या रहा, कर्मचारी और सरकार का कुल अंशदान 1 करोड़, कर्मचारी का 1,25,96,254, सरकार का 2,33,03,070, टोटल 3,58,99,324 रुपये एक मुश्त
3,58,99,324 माइनस 20,99,375 इनका टोटल रहा 3,37,99,949 रुपये। 10 वर्ष पेंशन देने के बाद बची शेष राशि 3,37,99,949 माइनस 1,84,33,800, टोटल 1,53,66,149 रुपये। प्रति कर्मचारी सरकार और उद्योगपति मिलकर डकार जाएंगे। इसी तरह भारत में कुल 1 करोड़ कर्मचारियों का लाखों करोड़ रुपए का महाघोटाला यूपीएस के तहत करने की योजना बनाई जा रही है। यूपीएस के तहत सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को एकमुश्त भुगतान करने के बाद बची राशि 3,37,99,949 रुपये पर 7% वार्षिक ब्याज दर से 1,97,166 रुपये प्रति माह ब्याज बनता है। पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस में 10 वर्ष बाद भी इतनी पेंशन नहीं बन रही है। यदि यूपीएस के तहत केवल सरकार के अंशदान 2,33,03,070 रुपये से पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस के बराबर पेंशन दी जाती है और प्रतिवर्ष पेंशन भुगतान करने के बाद शेष बची राशि पर 7% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज जोड़ा जाता है तो कर्मचारी को 10 वर्ष पेंशन देने के बाद भी 1,56,03,004 रुपये शेष बचता है, जिससे लगभग 10 वर्ष तक और ओपीएस के बराबर पेंशन दी जा सकती है। यदि एनपीएस के तहत केवल सरकार के अंशदान 1,76,34,756 रुपये से पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस के बराबर पेंशन दी जाती है और प्रतिवर्ष पेंशन भुगतान करने के बाद शेष बची राशि पर 7% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज जोड़ा जाता है तो कर्मचारी को 10 वर्ष पेंशन देने के बाद भी 71,90,970 रुपये शेष बचता है। उक्त गणना में सूक्ष्म त्रुटि मिलने की संभावना है, नकारा नहीं जा सकता है। तो ये है 4200 ग्रेड पे वाले कर्मचारी का पूरा लेखा जोखा, जो कि एक यूपीएस जो पेंशन निर्धारित कर रहे हैं वो एकदम उल्टा है ओपीएस से, जो कि सरकार का सीधा सीधा फंडा इसमें दिखाया गया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी गणना इसके अनुसार कर लीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू।